देश बदनाम कब है? कोई भी देश सिर्फ झंडे लगाए या उतारे जाने से बदनाम नहीं होता। देश बदनाम होता है जब 100 से ज्यादा किसान आंदोलन करते हुए दम तोड़ देते हैं और देश का मुखिया दुख का एक शब्द नहीं उगलता। देश बदनाम तब होता है जब एक दलाल पत्रकार प्रधानमंत्री का नाम लेकर 44 सैनिकों के मारे जाने का जश्न मनाता है और पूरी व्हाट्सएप चैट लीक होती है और बड़े मीडिया हाउस समेत सत्ताधारी दल एक लफ्ज सफाई के नहीं देता। देश बदनाम तब होता है जब एक सांसद लगातार राष्ट्रपिता गांधी के हत्यारों को सच्चा देशभक्त बताती है। देश बदनाम तब होता है जब उसका मुखिया आत्ममुग्ध होता है, मंत्रिमंडल चापलूसों से भरा होता है और मीडिया मुंह में हड्डी दबाए घूम रहा होता है। देश बदनाम तब होता है जब एक बलात्कार पीड़ित बेटी का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में संगीनों के साए में कर दिया जाता है ताकि उसके असली हत्यारों को सरकार बचा सके। देश बदनाम तब होता है जब लाखों की आवाज कुछ अमीरों के हितों के लिए तंत्र के बूट के नीचे कुचल दी जाती है। देश बदनाम तब होता है जब गरीबी छुपाने के लिए गरीब बस्तियां दीवारों के पीछे चुनवा दी जाती हैं। देश बदनाम तब होता है जब बलात्कार धर्म की आड़ में सही या गलत ठहराए जाते हैं। देश बदनाम तब होता है जब लाखों मजदूर एक व्यक्ति की दूरदर्शिता में कमी के चलते हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किए जाते हैं। कोई भी देश सिर्फ झंडे लगाए या उतारे जाने से बदनाम नहीं होता। देश बदनाम होता है जब उस देश का मुखिया नीच बन जाता है।